भाइयों बहनों, आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच मध्य प्रदेश जैसे समृद्ध प्रांत जिसको कुशलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और उनकी धर्मपत्नी हमारे बीच में आए हैं। आप सब स्वागत करें उनका। अभी जो दो तीन दिन से यहाँ जो विभीषिका आई हुई थी, गंगा में बाढ़ आने की वजह से बहुत सारे लोग जो तीर्थ यात्री हैं ऊपर फंसे हुए हैं, उनमें मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे यात्री हैं, आप में भी जो यहाँ रुके हुए हैं बहुत सारे मध्य प्रदेश के हैं, तो मैं समझता हूँ शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के अकेले के नहीं हैं, पूरे भारत के हैं और चिंतन भी उसी तरह से करते हैं। मंचासीन बंधुओं, देवियों, भाइयों, गुरुदेव की कृपा से यहाँ ऐसे सेवक जुड़ते रहते हैं। मुझे वो समय याद है कि अपने ही परिवार के किन्हीं भाइयों ने ये कहा था, भाई शिवराज सिंह चौहान अपने आदमी हैं, उन्हें संपर्क में रखिए। और हमें उस समय कल्पना नहीं थी, उनने कहा था कि वो मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में भी उनको महत्व मिल सकता है, ऐसा उस समय कहा था जब कोई कल्पना नहीं थी। उसके बाद आप आए भी, उस समय सांसद थे और एक योजना बनाई कि सभी पार्टियों के सांसदों के बीच गुरुदेव की बात इस ढंग से रखी जाए कि जो जो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हों वो इन योजनाओं को, इन कार्यक्रमों को लें। और आपने उसमें ये योजना दी थी कि ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने यहाँ बुलाऊँगा, संस्थागत स्तर पर कोई आता है या नहीं आता, लेकिन व्यक्तिगत आमंत्रण को सब स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जैसा कि इन्हीं भाइयों ने कहा था, कुछ ऐसा क्रम बना कि अचानक आप मध्य प्रदेश के सीएम के रूप में आ गए, उस रूप में आते रहे हैं, मिलते रहे हैं और बड़ा आपका लगाव है। ये अपने शताब्दी समारोह में भी आप आए थे और ये कह के आए थे कि मैं किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, एक अपने श्रद्धालु परिजन के रूप में यहाँ आया हूँ और उसी रूप में अपनी सेवाएँ देना चाहता हूँ। आपके बीच आके मैं धन्य हूँ और आज भी मैं यही कहने वाला था कि मैं किसी मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ नहीं आया, मैं तो परिजन के रूप में ही आपके बीच आया हूँ। वो अद्भुत जीवन का क्षण जब मैंने गुरुदेव से उनके चरणों में नर्मदा नगर होशंगाबाद में दीक्षा ली थी, मुझे कभी भूलता नहीं। और आपको बताते हुए भी मुझे कोई संकोच नहीं है, गुरुदेव दीक्षा दे रहे थे, ब्रह्म मुहूर्त की बेला थी, लंबी पंक्ति लगी हुई थी, अपनी बारी का हम इंतजार कर रहे थे, एक एक शिष्य आते थे, गुरुदेव माथे पर उंगली से तिलक लगाते थे, टीका लगाते थे, उनको प्रणाम करते थे, लोग आगे बढ़ते जाते थे। मेरी बारी आई, श्रद्धा के साथ मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। उन्होंने पहले, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों में झांक रहे हैं, वो देखा, मुझे अद्भुत सा लगा। इसके बाद उनका हाथ उठा, उंगली आगे बढ़ी और चंदन का तिलक उनने मेरे माथे पर लगाया। मैं अपने परिजनों से, बहनों भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी वो स्पर्श ज्यों का त्यों है। जब भी मैं बैठता हूँ पूजा करने, तो मुझे लगता है गुरुदेव आए और उनने फिर वो तिलक लगाया, एक शक्ति का संचार हो गया। लेकिन अगर मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, जो कुछ है सब गुरुदेव का है, उनकी कृपा बरसती। मन में एक भाव और है जो आज और प्रबलता के साथ उत्पन्न हुआ है,
अद्भुत है गायत्री परिवार गुरुदेव की कृपा से, अद्भुत। ये केवल अध्यात्म हमारा आधार है, लेकिन जो रचनात्मक दिशा समाज को देने की काम कर रहे हैं, सचमुच में बचपन से मैंने, मेरे हाथ पहले लग गई अखंड ज्योति। अखंड ज्योति मेरे हाथ में तब लगी, मैं तीसरी चौथी क्लास में पढ़ता था। अखंड ज्योति मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा एक एक शब्द इसका ऐसा है कि जो अनमोल है। और पढ़ते 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 गुरुजी से जुड़ते चले, गुरुदेव से जुड़ते चले गए। और जो अभियान एक चलाया हुआ, एक निर्माण योजना, अद्भुत अभियान है सचमुच में। और मैं तो, सरकार क्या होती है, सरकार समाज के प्रतिनिधित्व करती है। और इसलिए मैं डॉक्टर साहब से प्रार्थना कर रहा था कि मेरे दो टर्म पूरे हो गए, तीसरे टर्म में जितनी योजनाएं सोची है युग निर्माण योजना ने, वो परिवार के साथ मिलकर सरकार क्रियान्वित करने का काम करेगी, कोई कसर उस पर नहीं छोड़ेगी, समाज बना दे। और इसलिए चाहे नदियों के बचाने का सवाल हो, चाहे हरियाली चूंड की हमारी कल्पना हो, चाहे माँ बहन और बेटी के कल्याण, गुरुदेव कितना आदर करते थे, बिना नारी के कल्याण के देश नहीं बन सकता। चाहे समाज के सुधार का सवाल हो, अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल के समाज की सेवा में लगाने का हो, बिना समाज के सहयोग के सरकार कुछ नहीं कर सकती। और इसलिए उस रास्ते पर चलने का काम करें। सब उत्तराखंड की जनता के साथ खड़े हैं। मैंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को भी यह विश्वास दिलाया है कि यथासंभव हर सहयोग मध्य प्रदेश सरकार करेगी। अभी तो 2 करोड़ रुपया इस आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार को मध्य प्रदेश सरकार देगी। और हजारों लोग जो अभी फंसे हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के नागरिक भी बड़ी संख्या में, हालांकि हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, सभी हमारे हैं, उनको निकालने में हम लोग जो यथासंभव प्रयास करते बन पड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार को ही करना है, लेकिन कोऑर्डिनेट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। संकट की घड़ी में हम सब साथ हैं, और गुरुदेव के आशीर्वाद से मुझे लगता है कि संकट पर हम पार पालेंगे। लेकिन एक विचार जरूर मन में आता है कि एक सबको संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो कि इस तरह की आपदाओं को मनुष्य स्वयं निमंत्रण दे दे। उसके बारे में एक राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए, उसके बारे में देश जरूर विचार करे। ये भाव यहाँ आपके सानिध्य में पैदा हुआ है, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। दारा देवी का मंदिर और केदारनाथ और क्या बोलते गोरीकुंड सब बह गए हैं। अब ये तो प्राकृतिक आपदा थी जिसके कारण ये हुआ है। कई बार प्रकृति का ऐसा रूप वो देखने मिलता है जो मन को बड़ा कष्ट देता है। एक्चुअली क्या है कि वहाँ से बहुत अटके पड़े हैं, भोजन नहीं पहुँच पाए। बहुत सारे यात्री सड़कों के लटे हुए हैं, उनके पास भोजन नहीं पहुँच पाए। आज हमने हेलीकॉप्टर से पहुँचाया है 20,000 लोगों का भोजन, अभी हम कल सुबह फिर पहुँचाएंगे। इस तरह से 3-4 दिन तक 5 दिन तक 1,00,000 व्यक्तियों के लिए भोजन निरंतर पहुँचता रहेगा। कम्बल और भोजन पूरी 4 दिन भिजवाए, उसमें भोजन भिजवाए।
ये कमर जैसे आपदा आई है उसके लिए क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हम लोग सबको गंगा को माँ मानते हुए माँ का सम्मान कर रहे हैं और हमने जो इंक्रोचमेंट किए हैं नदी के ऊपर, मतलब एक प्रकार से अवेयर दृष्टि से हमने गंगा के ऊपर आक्रोश किया, तो उसी का आक्रोश है। इस आक्रोश से बचना है तो जैसा शिवराज सिंह जी ने कहा कार्यकर्ता ही हैं बेसिकली, तो उसी भाव से आपके मन में वेदना उठी कि ऐसी परिस्थिति में अपना अपने प्रांत में चलना चाहिए, तीर्थ में चलना चाहिए, देख के आना चाहिए। आज आप आए तो हमारा मन गौरवान्वित हुआ, क्योंकि उत्तराखंड के लिए मध्य प्रदेश प्रांत के मुख्यमंत्री के मन में इतनी संवेदना है जो यहाँ आए हैं। हम समझते हैं कि हम दोनों मिलकर के हम लोग बहुत कुछ प्रयास करें, पूरा गायत्री परिवार इनके साथ है और उत्तराखंड सरकार के साथ हम मिलजुल कर प्रयास करते हैं। हरिद्वार में आई है उसके लिए शांति की उसके लिए पहल की गई है, क्या वो पहल है, कैसे कैसे की जा रही है? अभी तक रास्ते बंद थे लेकिन वहाँ से डीएम साहब ने और एडीएम ने हमको इन्फॉर्म किया कि पका हुआ खाना जो है आप दे दें, तो पैकेट ये 5000 पैकेट और कंबल 500 कंबल उनके लिए हम भेज रहे हैं। जैसे कि अभी सभी को पता है पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड में जो गंभीर आपदा आई हुई है उसमें केदारनाथ और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा दुर्दशा हुई है। इसी में जो प्रशासन इस समय सहयोग कर रहा है और आर्मी के हेलीकॉप्टर से वहाँ पर रसद कराई जा रही है, उसी में गायत्री परिवार ने भी प्रशासन को सहयोग किया है। इसमें इस समय 300 कंबल भोजन के पैकेट गायत्री परिवार से हमें प्राप्त हुए हैं जो हम इसी समय आर्मी के हेलीकॉप्टर से संबंधित दुर्गम स्थानों पर भेजे जा रहे हैं जहां पे पर्यटक और तीर्थयात्री फंसे। इसमें तो बहुत अच्छा सहयोग है क्योंकि कोई भी होटल या कहीं पे भी इतनी ज़्यादा व्यवस्था एकदम नहीं हो सकती है क्योंकि भोजन को बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसे समय में गायत्री परिवार ने भी आगे बढ़ करके बहुत शीघ्रता से इन सारी सामग्री को तैयार करके प्रशासन को दिया हुआ है।